ओयो रूम्स, आज इस नाम को हम सब जानते हैं। ओयो रूम्स एक हॉस्पिटैलिटी चेन है ऑफ फ्रेंचाइज्ड होटल्स, रूम्स एंड लिविंग स्पेसेस अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी शुरुआत की थी रितेश अग्रवाल ने 2012 में। एज ऑफ जनवरी 2020 ओयो के पास 43,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, 1 मिलियन से भी ज्यादा रूम्स थे अक्रॉस 800 सिटीज इन 80 कंट्रीज इंक्लूडिंग मलेशिया, UAE, नेपाल, चाइना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा। एज ऑफ जनवरी 2022 ओयो की वैल्यूएशन इज अराउंड $9.6 बिलियन एंड ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि स्टार्टअप की वजह से इसके फाउंडर रितेश अग्रवाल दुनिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर भी बन गए थे। रितेश अग्रवाल ने इतनी कम एज में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बिल्ड करी एंड दैट टू विद इन एन इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओयो रूम्स के बारे में एंड जानेंगे हाउ ओयो बिकेम ओयो। इस कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल वाज बोर्न इन अ बिजनेस क्लास फैमिली इन रयागढ़ा उड़ीसा। इन्हें बचपन से ही कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा शौक था एंड कंप्यूटर्स के साथ खेलते खेलते इन्हें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्टिंगली सिर्फ 8 साल की उम्र में ही इन्होंने कोडिंग करना शुरू कर दिया था एंड जब तक ये क्लास 10th में आए तो इन्होंने कोडिंग में ही अपना करियर बनाने का डिसाइड भी कर लिया था। 2009 में अपनी IIT की कोचिंग के लिए कोटा आ गए थे एंड यहाँ आकर इन्होंने काफी ज्यादा ट्रैवल करना भी शुरू कर दिया था। अपने इन ट्रैवल्स के दौरान ये मोस्टली सस्ते PGs या बजट होटल्स में स्टे किया करते थे। 2011 में अपनी SAT की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आ गए थे बट फॉर सम रीजन इनका वो एग्जाम नहीं हुआ एंड दिल्ली में इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम ट्रैवल करते हुए एंड अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स से मिलते हुए गुजारा। दिल्ली में अपने इस टाइम पर इन्हें बजट फ्रेंडली होटल्स का आइडिया आया तो 2012 में इन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ अरेवल स्टेज। इस बिजनेस में शॉर्ट एंड मिड टर्म रेंटल्स प्रोवाइड करते थे फॉर बेड्स एंड ब्रेकफास्ट जॉइंट्स, प्राइवेट रूम्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद ही इन्हें 30 लाख रुपए की फंडिंग भी मिल गई थी फ्रॉम एन एक्सेलरेटर फर्म वेंचर नर्सरी। इस पैसे का यूज करके इन्होंने इस बिजनेस को एक्सपैंड किया एंड एट द सेम टाइम इन्होंने इस आइडिया को थील फेलोशिप में भी प्रेजेंट किया एंड इनका ये आइडिया टॉप 10 विनर्स में भी सिलेक्ट हुआ जिसकी वजह से इन्हें $1,00,000 का प्राइज भी मिला एंड और भी कई रिसोर्सेज मिले टू बिल्ड एंड एक्सपैंड दिस बिजनेस। बट फॉर सम रीजन इनका ये बिजनेस एक पॉइंट के बाद आकर स्टैग्नेंट हो गया था एंड इन्हें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। एक पॉइंट पर इन्होंने Airbnb के बिजनेस को भी कॉपी करने की कोशिश की बट दैट डिडंट वर्क एज वेल। रितेश अग्रवाल ने गुड़गांव बेस्ड सिनेमन स्टेज के फाउंडर मनीष सिन्हा को भी को फाउंडर बनाया बट इनसे भी इन्हें कोई खास हेल्प नहीं मिली एंड इवेंचुअली मनीष ने कंपनी से क्विट कर दिया। बट बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद रितेश को ये बात समझ में आई कि जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो बजट फ्रेंडली स्टेज ढूंढते हैं जहां अच्छी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो बट उन्हें वो मिलते नहीं है जिसकी वजह से उन्हें बेकार होटल्स में स्टे करना पड़ता है एंड इनका पूरा ट्रिप का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अब क्योंकि रितेश खुद भी बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुके थे तो वो इस प्रॉब्लम से ज्यादा रिलेट कर पाते थे तो फिर उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोचा जहां सारी अच्छी प्लेसेस एक साथ लिस्टेड हों एंड 2013 में इन्होंने अपने बिजनेस अरेवल को रीलॉन्च किया एज ओयो रूम्स। रितेश ने नोटिस किया कि इंडिया में बहुत सारे स्मॉल स्केल होटल्स हैं जिसमें 150 से कम रूम्स हैं एंड जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि बड़े होटल्स में तो सब फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी बट उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती थी। रितेश ने रियलाइज किया कि अगर ये इन स्मॉल स्केल होटल्स को स्मार्टली अपडेट एंड ऑप्टिमाइज करें एंड देन अपने प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करें तो ये अपने मोटिव को अचीव कर सकते हैं। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाले सभी होटल्स के एक स्टैंडर्ड सेट किया एंड अपनी टीम्स को इन होटल्स में भेजा टू रेनोवेट एंड ऑप्टिमाइज द रूम्स बिफोर लिस्टिंग देम ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इसके अलावा रितेश अग्रवाल की टेक्नोलॉजिकल फील्ड की नॉलेज की वजह से भी इन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। रितेश अग्रवाल ने ओयो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बजट फ्रेंडली कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया एंड अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स ओयो की टीम हर दिन 1 मिलियन गेस्ट रूम्स के रेट्स 50 मिलियन बार एडजस्ट करती थी। इसके अलावा बैकएंड पर हर होटल के पास भी एक ऐप होता था जो ये ट्रैक करता था उनके होटल के किस रूम को रेनोवेशन की जरूरत है। इन सभी रीजंस की वजह से ओयो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा एंड 2014 में हर महीने कंपनी 1 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा की ग्रॉस बुकिंग्स ले रही थी। बाय 2015 कंपनी के पास 350 प्लस होटल्स, 4000 प्लस रूम्स इन सिटीज लाइक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई एंड पुणे हो चुके थे। 2018 में ओयो 100% लीज एंड फ्रेंचाइज चेन बन गई थी एंड इनका रेवेन्यू था $211 मिलियन। 2019 में ओयो ने $951 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया एंड 2020 आते आते ओयो दुनिया की 80 कंट्रीज में प्रेजेंट था। बट एज वी ऑल नो सक्सेस कम्स विद अ प्राइस एंड ओयो का केस भी कुछ अलग नहीं था। ओयो भी कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस चुका है। इस कंपनी पर कई बार चीटिंग एंड फ्रॉड के चार्जेस लगाए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2019 एक बेंगलुरु के ही होटल ने रितेश अग्रवाल एंड 6 और लोगों पर चीटिंग का केस किया था ये क्लेम करते हुए कि ओयो ने इनके ड्यूज पे नहीं किए हैं
इनके अकॉर्डिंग ओयो वाज सपोज्ड टू पे ₹7 लाख अ मंथ बट दे फेल्ड टू डू सो। ओयो पर फ्रॉड के चार्जेस भी लगाए गए थे। कई बार होटल ओनर्स ने अलेज किया है कि ओयो 20% फ्रेंचाइजी फी चार्ज करता है, बट अल्टीमेटली ये उस 20% से कहीं ज्यादा चार्ज करते हैं थ्रू अदर मेथड जो होटल ओनर्स को पहले नहीं बताए जाते। 2018 में और भी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी जब एक नेशनल लेवल शूटर ओयो के ही एक होटल में डेड पाया गया था एंड जब गुड़गांव के ही एक होटल एम्प्लॉय को अक्यूज किया गया था ऑफ रेप। बहुत सारे होटल ओनर्स ने ये भी कहा है कि ओयो शुरुआत में उन्हें इम्प्रैक्टिकल रिटर्न्स प्रॉमिस करता है बट बाद में उन पर बहुत सारे चार्जेस लगा देता है विदाउट एवर इन्फॉर्मिंग देम। इसके अलावा कोविड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बाकी सभी बिजनेसेस की तरह ओयो को भी इस वायरस की मार झेलनी पड़ी थी। रितेश अग्रवाल के अकॉर्डिंग अप्रैल 2020 में ओयो का रेवेन्यू एंड ऑक्यूपेंसी 50-60% डिक्रीज हुई थी एंड उनके ग्लोबल पार्टनर्स को भी लॉसेस झेलने पड़े थे एंड उनका भी रेवेन्यू 75% से डाउन हुआ था। एज अ रिजल्ट इनके एम्प्लॉयज को 25% तक के पे कट्स फेस करने पड़े थे। बट इन सबके बावजूद एक चीज जो हम कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते वो है ओयो का बिजनेस मॉडल विच इज प्रेटी यूनिक एंड प्रॉफिटेबल एज वेल। इस नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं ओयो एक्चुअल में किन किन वेज से पैसा कमाता है। पहला है कमीशंस। ओयो अपने पार्टनर होटल से अबाउट 22% कमीशन चार्ज करता है हर मंथ एंड ये कमीशन सर्विसेज के अकॉर्डिंग कई बार कम या ज्यादा भी होते हैं। सेकंड आती है रूम रिजर्वेशन फीस। ओयो एक रूम रिजर्वेशन फी भी चार्ज करता है जब कोई कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म से रूम बुक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूम ₹1000 पर नाइट पर प्राइस्ड है तो ओयो इसमें से 10-20% फी चार्ज करता है। इसके बाद आती है मेंबरशिप फीस। ओयो का एक मेंबरशिप प्लान भी है ओयो विजर्ड के नाम से जिसके चार्जेस ₹500 से लेकर ₹3000 तक होते हैं एंड ये भी ओयो के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आती है एडवर्टाइजिंग। ओयो अपनी वेबसाइट और ऐप पर बाकी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले करने के लिए उन्हें चार्ज करता है। अब क्योंकि ओयो का यूजर बेस काफी बड़ा है तो बहुत सी कंपनीज इनके प्लेटफॉर्म पर अपने एड्स रन करना चाहती हैं एंड हेंस ओयो इस चीज से भी रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके बाद आती है स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप्स। ओयो कुछ ब्रांड्स एंड कंपनी से भी चार्ज करता है बाय प्रमोटिंग देयर ब्रांड नेम थ्रू एड्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एंड लास्ट आती है कंसल्टिंग सर्विसेज। ओयो अपने पार्टनर होटल्स क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसके लिए उनसे चार्ज करता है। एंड दैट इज हाउ माय फ्रेंड्स ओयो मेक्स मनी। डिस्पाइट मनी स्ट्रगल्स एंड कॉन्ट्रोवर्सीज ओयो की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है एंड इंडिया के बहुत से छोटे बड़े स्टार्टअप्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। ओयो ने एक छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू करके खुद को होटल्स के बियॉन्ड भी एक्सपेंड किया है विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इसका मेन क्रेडिट जाता है ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल को। ऑल्दो 2020 वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बट स्टिल ओयो ने खुद को इस इंडस्ट्री में बनाए रखा एंड टुडे इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया। एक और ऐसे ही शख्स जिनकी स्टोरी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वो है गौतम अडानी एंड उनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।